ढाई किलो का हाथ बनाने के लिए जब सनी देओल ने की थी कड़ी मेहनत, 10 सनी देओल बनने के लिए एक्टर ने खूब बहाया था खून पसीना। बॉडी बनाने के लिए लंदन से मंगाया गया था बहुत सारा दूध। देखिए, एक्टिंग के अलावा सनी देओल फिटनेस के लिए भी जाने जाते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इसी फिटनेस को मेंटेन रखने के लिए उन्होंने लंदन से दूध के डब्बे मंगवाए थे, और इस बात का खुलासा और किसी ने नहीं, उनके करीबी दोस्त बिंदु दारा सिंह ने किया था। दरअसल बिंदु दारा सिंह और सनी देओल काफी अच्छे दोस्त रहे हैं। हाल ही के एक इंटरव्यू में बिंदु दारा सिंह ने सनी देओल का जिक्र किया है। उन्होंने बताया कि उनके और सनी देओल के पिता भी खास दोस्त रहे हैं। सनी और बिंदु दोनों को ही बॉडी बिल्डिंग का बड़ा शौक था। बातचीत के दौरान बिंदु दारा सिंह ने कहा कि वो और सनी दोनों अक्सर एक साथ ट्रेनिंग लिया करते थे। बिंदु ने इसी से आगे एक जुड़ा हुआ मजेदार किस्सा शेयर किया। उन्होंने कहा कि सनी अपनी डेब्यू फिल्म बेताब से करीब 2-4 महीने पहले लंदन में कड़ी ट्रेनिंग कर रहे थे। इस दौरान उनकी बॉडी जॉन जे रेम्बो जैसी हो गई थी। बाद में उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि ऐसी बॉडी को मेंटेन किए रखना मुश्किल है और इसके लिए उन्हें कुछ अलग करना पड़ेगा। बिंदु दारा सिंह ने आगे कहा, लंदन में सनी ने काफी मसल्स बना लिए थे। मैंने उनसे कहा था कि ये लंदन की बॉडी है जो दूध पनीर और चीज खाने से बनी है। भारत जाते ही उनके मसल्स कम हो जाएंगे, और ठीक ऐसा ही हुआ। इसके बाद सनी काफी उदास हो गए थे, अपसेट हो गए थे। फिल्म की शूटिंग के दौरान सनी ने उनसे कहा कि इस बार मेरे मसल्स कम नहीं होंगे। ये सुनते ही बिंदु ने उनसे पूछा कि ऐसा कैसे। इसके बाद वो उन्हें एक रूम में ले गए। इस रूम में लंदन से आए दूध के डब्बे भरे हुए थे। कुल मिलाकर सनी देओल ने अपनी मनपसंद फिजिक को ऐसा बनाया कि वो जिस भी फिल्म में होते थे गुंडों की जान सुखा देते थे। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज, गॉसिप, फिल्म रिव्यूज, सॉन्ग रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रेजी फॉर बॉलीवुड को। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि हमारे चैनल पे आई कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाए।